इसी के बीच में एक सुंदर सा दृश्य भी आता है हमारे पास, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से पेड़ हैं। ये है कैक्टस एंड सकुलेंट गार्डन। चलो भाई, इसके लिए भी अलग से टिकट लगता है, हमने पहले ही टिकट कटवा लिया है तो हम एंट्री ले रहे हैं। ये पानी गिर रहा है लेकिन कोई नहाएगा नहीं इसके अंदर। कैक्टस, जिंदगी कैक्टस की तरह हो गई है। अलग अलग टाइप के कैक्टस हैं यहाँ पर, अलग अलग कैक्टस हैं यहाँ पर। ये रॉक गार्डन है, आप देख सकते हैं रॉक्स, ये रॉक्स से बनाया हुआ है, रॉक गार्डन है इसलिए। अभी हमने कैक्टस गार्डन और रॉक गार्डन कवर किया। सही बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि यार आपको यहाँ आना चाहिए, मतलब रॉक गार्डन और कैक्टस में तो कुछ है ही नहीं। एक्वेरियम बढ़िया चीज़ है, उसका टिकट लो और आओ, और इसे चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, ऐसे मेरा मानना है। एक मोटिव ये था कि आप लोगों को ये दिखाया जाए, इसीलिए हमने टिकट लिया यहाँ पर, हुई इसीलिए हमने टिकट लिया कि आपको ये दिखाया जाए कि कैसा है। ऐसा कुछ घूमने वाली चीज़ नहीं है, कैक्टस की पेड़ है, इसके अलावा रॉक गार्डन में बस दो तीन पत्थर रखे और कुछ नहीं है। हाँ भाई, पत्थर रख के उसमें बुद्धा जी की मूर्ति बनाई हुई है और इसके अलावा कुछ खास है नहीं उसके अंदर जी। हाँ चलो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ बचा है इसके अंदर या फिर नहीं, और नहीं बचता है तो फिर ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। लियोपार्ड की खोज जारी है, शायद लियोपार्ड बचा हुआ है अभी। देखो भाई सामने बिल्कुल एकदम लियोपार्ड। ये देखो बहुत सारे बैठे हुए हैं, ये तो प्लास्टिक के हैं। मैं सोच रहा कोई प्लांट व्लांट। सॉरी, चलो तो फाइनली हमने लियोपार्ड भी देख लिया है और हमारा कंप्लीट जू का जो टूर है वो फिनिश हो चुका है 90 रुपीज़ के अंदर जी। और ये 90 रुपीज़ का जो हमारा ट्रिप था, 2 घंटे का था लगभग, हमने पूरे 2 घंटे यहाँ पर स्पेंड किए और बहुत ही सही लगा मुझे। मतलब कि अगर हम नैनीताल गए थे तो वहाँ 100 रुपीज़ का था, लेकिन इतना कुछ था नहीं वहाँ पर। लेकिन हाँ ये है कि कुछ जानवर वहाँ पर ज़्यादा थे, यहाँ पक्षियों की, स्नेक्स की, पैरट्स की बहुत ज़्यादा वेराइटी है, और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को यहाँ आना चाहिए और आराम से इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। ये तो